दीपों का त्योहार दीपावली, जिसका इंतजार हर एक को रहता है। हर कोई अपनी दिवाली खास तरीके से मनाना चाहता है, लेकिन बच्चों को इंतजार रहता है पटाखों का। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि पटाखों के जलने से पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है। हाय चिंटू, हाय ऋषभ, पटाखे कहाँ हैं? ये रे पटाखे। अरे सब्जी नहीं, पटाखे। पटाखे हैं, दिखाओ जरा। यार तुम बस इतने कम पटाखे लाए हो इस बार? नहीं, इस बार हम लोग इतने ही फोड़ेंगे। अरे बाकी शॉर्ट्स वगैरह बॉम्ब का वो बाहर रखे होंगे। तुम्हें पता है हर साल दिवाली पे 500 करोड़ रुपए के पटाखे जलते हैं। ये लोग पटाखे लाए नहीं, तुम कैसे अपनी दिवाली मनाओगे? यार इस बार मैं पटाखे नहीं फोड़ूंगा। पिछली बार घर में बहुत धुआं फैल गया था तो मेरे दादा को अस्थमा का अटैक आ गया था। अच्छा, फिर तो हमारी दिवाली तो मन ही नहीं पाएगी बिना पटाखों के। नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आओ मैं तुम्हें बता दूं दिवाली कैसे मनाते हैं। चलो। चिंटू का ये सरप्राइज था पास के ही स्लम्स में। चिंटू अपने भाई को लेकर उस स्लम में गया जहाँ के बच्चों के साथ उसने दिवाली मनाने का प्लान बनाया था। इतना पॉल्यूशन होता है यार, हमारे लिए इतना हार्मफुल होता है, इतने पैसे का वेस्टेज होता है, तो क्यों मनाया यार हमें पटाखों के? खाली एक घंटे के लिए हमारी कंट्री का इतनी पॉल्यूशन हो जाता है कंट्री में। सही बात है। इसलिए मैंने, साहिल, हार्दिक, हम सब ने यही प्लान करा यार कि इस बार हम ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ेंगे, हम खाली दिए जला के सेलिब्रेट करेंगे। और तेरा भी यही प्लान है शायद ना? 100%। चलो चलते हैं। चलो। इन बच्चों ने एक यादगार दिवाली मनाने का फैसला किया। पटाखों के बजाय खुशियों के दीप जलाए। उन बच्चों के साथ खुशियां बांटी जो दिवाली मना भी नहीं सकते थे। दिवाली का असली मतलब तो इन बच्चों ने जाना है, तो आप भी इस दीपावली पर किसी के साथ दीपों का त्योहार मनाइए और क्रैकर फ्री दिवाली मनाइए। हर साल करीब 500 करोड़ रुपया जलाया जाता है। कितने लोगों को सांस की तकलीफ या किसी भयानक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। इन सब की वजह एक ही है, पटाखे। हमारे देश में पटाखे जलाने की शुरुआत दशहरे से ही हो जाती है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 4 साल पहले जहां पटाखों का कारोबार 160 करोड़ था, आज वो बढ़कर 500 करोड़ हो चुका है। करोड़ों रुपए कुछ पल के लिए शोर के बाद खाक हो जाते हैं और पीछे रह जाती है अनगिनत परेशानियां, हेल्थ की, एनवायरमेंट की, गंदगी की। इस रोशनी के त्योहार में प्यार के दीप जलाएं। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे किसी और की जिंदगी का अंधेरा रोशनी में तब्दील हो जाए।